हेलो दोस्तों, तो आज हम बना रहे हैं सूजी के पकोड़े। अगर आप बेसन के पकोड़े, जिसे हम भजिया भी बोलते हैं, खाकर बोर हो गए हैं, तो आप ये ट्राई जरूर कीजिए। इसके लिए मैंने सूजी ली है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं आपको कितना भजिया बनाना है। तो अब देखिए, सूजी ली है मैंने, ये रवा, मिर्च काट ली है, प्याज काट कर रखी है। अब इसमें जो मसाले यूज होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। लाल मिर्च पाउडर लिया है, नॉर्मल नमक है, काला नमक है, ये बेकिंग सोडा है। अगर आपके घर में बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इनो या बेकिंग पाउडर का यूज भी कर सकते हैं। और जीरा लिया है, और ये मैंने मठा लिया हुआ है, जैसे मही भी बोलते हैं। अगर आपके पास मठा नहीं है तो आप दही का यूज भी कर सकते हैं। देखिए, हमने इसमें पानी भी लिया है। अब पानी हम इस सूजी में डालेंगे। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे, इसका एक पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि जब भी हम पकोड़े बनाते हैं तो पहले उसका पेस्ट बनाया जाता है। ये देखिए कितना फ्लफी दिख रहा है। इस टाइप से आपको, इसकी जो कंसिस्टेंसी मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए इस टाइप से बनाना है आपको, ज्यादा आपको थिक नहीं करना है। अब हम इसमें मठा यूज कर देंगे और फिर से मिला देंगे। ये देखिए मठा ऐड हो गया, अच्छे से इसे मिक्स भी कर दिया है, अभी भी फ्लफी दिख रहा है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं, जिससे कि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। देखिए मैंने ढक दिया, 10 से 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। देखिए अभी भी थिक है। एक बार फिर से इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें सोडा ऐड करेंगे। और मिक्स करेंगे। अब हम ऐड करेंगे हरी मिर्च, प्याज। अब मिक्स कर लेते हैं इसे। अब ऐड करेंगे हम जीरा, काला नमक, नॉर्मल नमक और लाल मिर्च। अब मिक्स कर लेते हैं। अब हम ऐड करेंगे धनिया पत्ती, ऑप्शनल है। अगर आपको डालना चाहते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए, हमने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें ऑयल जो है आपको ज्यादा डालना है, क्योंकि जो पकोड़े तलाते हैं उसमें ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब इसे हम गरम होने देते हैं। देखिए ऑयल गरम हो गया, हीट भी अच्छी आ रही है। अब हम इसमें पकोड़े का जो पेस्ट है वो डालना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप इसे स्पून की हेल्प से पकोड़े तल लीजिए। देखिए पकोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। इसके लिए जो आपको गैस है वो आपको स्लो फ्लेम पर ही रखना है, ज्यादा आपको स्लो से मीडियम आपको रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, अदरवाइज आपके पकोड़े जल सकते हैं। ये देखिए पकोड़े का कलर चेंज हो रहा है, इसे अब हम पलट देते हैं दूसरे साइड तलने के लिए। ये देखिए हमने अब ये पलट दिए है, दूसरा बेस अब इसका तैयार हो रहा है, उसे फ्राई करते हैं। अच्छे से इसे ब्राउनिश करना है। ये देखिए हम, ये देखिए तला चुके हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सूजी के पकोड़े तैयार हैं। देखने में कितने क्रंची और कलर देखिए आप कितना औसम आया है। अभी मैं इसको आपको बताती हूँ कितना क्रंची है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए घर पर। ये देखिए ऊपर से क्रंची और अंदर से कितना सॉफ्ट है। वाव, खाने में काफी टेस्टी लगेगा, आप जरूर ट्राई कीजिए।